मेरे सामने मेरा फ़ोन ट्राइपॉड पे फिट हो गया है और मैं यहाँ पे अपने एयरफोन का यूज़ करता हूँ माइक के लिए। अपने फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं यहाँ पे और भी अच्छा साउंड क्वालिटी आए मेरे वीडियो में, इसलिए मैं अपने एयरफोन का यूज़ करता हूँ। थोड़ा दूर भी चला जाता हूँ तो अच्छे से क्वालिटी, साउंड क्वालिटी अच्छे से हो जाता है मेरे फ़ोन के अंदर। तो मैं यहाँ पे अभी इसे 3.5 mm जैक को अपने फ़ोन के अंदर फिट करता हूँ। ये मैंने लगा लिया अपने एयरफोन को, और अब जो साउंड मेरा सुन रहे होंगे वीडियो के थ्रू, तो और भी ज़्यादा पहले से क्वालिटी अच्छा हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ साइबरलिंक पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन के बारे में, जो फ़ोन से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो मैं यहाँ पे साइबरलिंक पावर डायरेक्टर का यूज़ करने वाला हूँ, उसके टूल का यूज़ करने वाला हूँ, कैसे आप एक अच्छे से वीडियो को एडिट करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। आप भी अपना, अगर आपका चैनल होगा तो आप ज़रूर सर्च करेंगे कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है वीडियो एडिटिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ, कैसे वीडियो को एडिट करना है और अपलोड करिए आराम से। हाँ, प्ले स्टोर पर आपको साइबरलिंक पावर डायरेक्टर मिल जाएगा, और उसका कैसे यूज करना है, कौन से टूल है जो और भी ज़्यादा आपका साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के थ्रू और भी वीडियो का क्वालिटी जो है, एडिटिंग का क्वालिटी है, वो थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आ गए हम अपने मोबाइल के ऊपर, और यहाँ से हमने पावर डायरेक्टर के एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर सिलेक्ट करके आपको रेशियो चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 16:9 वाला रेशियो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और ये मेरा स्टार्ट हो गया है एडिटिंग ऐप। सबसे पहले हम एक वीडियो को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो आपको इस वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पे वीडियो लिस्ट आ जाएगा, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपका फ़ोटो लिस्ट आ जाएगा, और यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आपका म्यूजिक लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ से आप वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, जैसे आप वीडियो को शूट किया और उस वीडियो का साउंड म्यूट करके अपना यहाँ से साउंड ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं, और ये मेरा वीडियो आ गया। अगर आपको किसी पार्ट को ज़रूरत है कट करने का, तो इस वीडियो के ऊपर सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ से आपको एक यहाँ पे पेंसिल जैसा टूल देखने को मिलेगा, और यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं, और ये वाला पार्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिर से वीडियो के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से इस टूल पे क्लिक करके मैं यहाँ से वॉल्यूम को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 पे कर देना है। अगर आपके वीडियो के अंदर साउंड क्वालिटी कम आ रहा होगा तो यहाँ से 200 पे कर देंगे तो साउंड क्वालिटी आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ से साउंड मेंटेन कर सकते हैं, ऑडियो मिक्सिंग कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से वॉइस चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मेरा ओरिजिनल साउंड है, आप सुन सकते हैं। यहाँ से मैं वॉल्यूम को बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से मैंने वॉल्यूम फुल कर लिया, और यहाँ से मैं ओमेन यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ओमेन जैसा साउंड यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आने लगेगा। तो ये सारा साउंड मूड है, जैसा चाहेंगे जिस पे सिलेक्ट करेंगे वैसा साउंड आने लगेगा। यहाँ पे चाइल्ड साउंड का इफेक्ट है, तो इस पे क्लिक करते हैं तो साउंड चाइल्ड का आने लगेगा। तो यहाँ पे नो इफेक्ट पे क्लिक करके रहने देते हैं इसको, और यहाँ से बैक चार्ज चले जाते हैं। और यहाँ पे फ़िल्टर का ऑप्शन है, आप फ़िल्टर यहाँ पे चूज कर लीजिए, जो आपको फ़िल्टर पसंद हो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और फ़िल्टर को यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओरिजिनल रहने देते हैं और बैक चले जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से ब्राइटनेस मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रास्ट मेंटेन कर सकते हैं, सेचुरेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन है, आप इससे अपने वीडियो की क्वालिटी और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, तो जैसे मैंने इतना पार्ट को कट करना है, यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं और ये पार्ट कट कर देना है, इतने पार्ट को यहाँ पे मैं स्पीड कर देता हूँ। जैसे ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा वीडियो है वो फास्ट मोड में हो जाएगा। तो यहाँ से 2x, 4x, 8x तक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 4x रहने देता हूँ। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना फास्ट हो गया वीडियो, आप देख सकते हैं। यहाँ से प्ले करेंगे तो यहाँ से फास्ट कर सकते हैं अपने वीडियो को। अगर आपको ये स्पीड मोड को नहीं रखना है तो यहाँ से एक स्टेप बैक आ सकते हैं, तो ये हट जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं और फिर इस टूल पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे कट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कट किया, और यहाँ के कट के बीच में एक आइकन है, इस पर सिलेक्ट किया, और यहाँ से आप इफेक्ट को लगा सकते हैं।
जैसे हमने यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक किया और इस वाले इफेक्ट को लगाना है। इफेक्ट की टाइमिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैंने 1 सेकेंड पे यहाँ पे रख देना है और यहाँ पे एक पे आके छोड़ दूंगा। और यहाँ पे देखेंगे तो मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। फेसबुक अकाउंट बना लीजिए अगर तो आपके इस पास। तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इफेक्ट को। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे पेन जूम है, तो इसका काम ये होता है कि अगर हमने यहाँ पे कट किया, बैक चले जाते हैं, जो कट किया है वो हट जाएगा। यहाँ पे हमने एक कट किया और इससे आगे थोड़ा सा यहाँ पे हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है जो हमने कट किया है, इस पे क्लिक करके और इस वाले टूल पे क्लिक करके यहाँ पे जो पेन जूम का ऑप्शन है इसका यूज करके बताता हूँ। तो इस पे सिलेक्ट कर लेना है और कस्टम मोशन पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको स्टार्टिंग पार्ट कितने जूमिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं और एंड पे कितना क्रॉप करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट किया यहाँ से और एंड यहाँ पे होगा, जैसे मैं एंड चाहता हूँ मेरे ऑटो पे हो, यहाँ पे एंड हो, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैक जाते हैं और ये अप्लाई हो चुका है, तो थोड़ा सा बैक आकर के प्ले करके देख लेते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट के थ्रू देखें ही आप फेसबुक पेज को बना। तो यहाँ से यहाँ तक स्लाइड होते हुए जूम हुआ, तो ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रॉप्ड का ऑप्शन है, एक कट यहाँ पे लगाया, दूसरा कट यहाँ पे लगाया। अब ये जो पार्ट है इसको हमें क्रॉप्ड कर लेना है, जैसे क्रॉप्ड करके जैसे मुझे हाईलाइट करना है या इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को, तो इतना जूम करके यहाँ पे बैक हो जाना है। बैक होंगे तो ये सेव हो जाएगा पार्ट। और यहाँ पे जूम करके देख लेते हैं, यहाँ पे प्ले करते हैं, पेज देखिए को बना पाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास फेसबुक का एक एप्लीकेशन आपके फोन। इस तरह का क्रॉप्ट करके यूज कर सकते हैं। तो इस टूल के बारे में बात हो गई, अब दूसरी टूल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्लिप करने का ऑप्शन है, रोटेट करने का ऑप्शन है। तो जैसे हमने इस पार्ट को रोटेट करना है, जैसे इस वाले पार्ट को रोटेट करना है, कट लगाना है, उसके बाद यहाँ पे रोटेट कर देना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे वीडियो को प्ले करके, बना पाएंगे। तो तो ये यहाँ पे रोटेट हो आपके पास गया, फेसबुक का एक एप्लीकेशन। तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा। ये वाला इस वाले सीन के ऊपर हम कट लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कट लगाया, थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे कट लगा दिया। अब ये जो पार्ट है इसे हम फ्लिप कर देंगे, तो यहाँ पे फ्लिप करेंगे तो ये वाला सीन इधर हो जाएगा। तो ये फ्लिप का मतलब होता है, बदल जाता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको डुप्लीकेट का यूज। तो यहाँ पे मैं एक नई वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे एक नई वीडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे इसे हम इंपोर्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं और यहाँ पे कट लगाते हैं और इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो इस पार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है, तो सेम टू सेम यहाँ पे एक और क्लिप ऐड हो जाएगा, मतलब इसका डुप्लीकेट। अब दूसरे वाले क्लिप के ऊपर जाके यहाँ पे रिवर्स का एक टूल है, इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये रिवर्स मोड में ये वीडियो शूट हो जाएगा। तो यहाँ से प्ले करके देखते हैं तो किस तरह का दिखता है, क्या देखते हैं, यहाँ से अब वीडियो रिवर्स होने लगा है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्रोमा की का यूज करके बताता हूँ आपको। इस वाले टूल की मदद से, इस वाले ऑप्शन से आपको बहुत सारा टेक्स्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हम यहाँ से एक वीडियो को चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हमारा वीडियो आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा साइज को बढ़ा लेता हूँ और इस वाले फिर ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे टेक्स्ट का एक इफेक्ट चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से एक इफेक्ट ले लेते हैं टेक्स्ट वाला और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे इसको क्रप्ट किया और यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले क्वालिटी। फिर इसके नीचे ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर भी कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे जा करके इसे हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फुल HD डिस्प्ले। फिर नीचे आके यहाँ पे लिख देते हैं वाटर ड्रॉप नॉच। फिर इसके नीचे आकर लिख देते हैं 6.5
5 इंच डिस्प्ले, ये सेव कर देते हैं इसे। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वाइट कर देते हैं इसे, और इस वाले लाइन को इससे भी हम वाइट ही कर देते हैं। अब हम ओ सॉरी ये बैक हो गया। अब हम इसे जहाँ चाहे वहाँ मूव करके सेट कर सकते हैं। अब ये देखेंगे इस टाइमलाइन को ऊपर वाले टाइमलाइन से मैच करवा दीजिए, बराबर कर दीजिए। अब इसे चलाकर देखते हैं ये कैसा वीडियो बन के आता है। फेसबुक पेज अपना नया, यहाँ पे मैं साउंड कम कर देता हूँ। अब देखेंगे तो यहाँ पे इस वीडियो को चलाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं किसी भी वीडियो के ऊपर। अब बात करते हैं क्रोमा की के बारे में। तो यहाँ से एक और फ़ोटो को ऐड करते हैं, यहाँ पे जाके फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने फ़ोटो को ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड हटाना, तो फिर यहाँ पे इस टूल पे क्लिक करके बहुत सारे आपको टूल मिल जाएगा। तो हम बस यहाँ पे क्रोमा की का यूज करने वाले हैं। तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है स्क्रीन पर जहाँ जिसका बैकग्राउंड हटाना है। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग आ गया है, तो इसे हम क्लियर कर देते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया बैकग्राउंड। अब यहाँ पे प्ले करके देखते हैं तो ये हट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे इसका बैकग्राउंड हट गया है। इस तरह से आप अपने साइबरलिंक के टूल का यूज करके वीडियो को एडिट कर सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में साइबरलिंक पावर डायरेक्टर के एप्लीकेशन के कुछ टूल के बारे में आपको बता दिया है। इसी की मदद से आप अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आएंगे तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।